नवी मुंबई के हमारे जिला अध्यक्ष रामचंद्र गरज जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ सागर जी नाईक है, राजेश हमारे जो पाटिल साहब है, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ, निशान जी इनके माध्यम से, भगत जी के माध्यम से हमने एक याचिका हाईकोर्ट में डाली है कि जो इस शहर के आने वाले आबादी के लिए जो हमने डीपी प्लान रखा है, बिना किसी को पूछे 500 मीटर के ऊपर के पूरे जितने भी प्लॉट्स है बेचने का आदेश नगर विकास खाता इन्होंने दिया है। हम निषेध करते हैं और निषेध के लिए आए हैं कि ये दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये जो प्लॉट बेचकर आने वाले चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा ये जाहिर आरोप है और ये हम होने नहीं देंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ है, आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तीव्र होगा। माननीय गणेश जी नाईक साहब हो, आमदार मंदाताई मात्रे हो, ये विधानसभा में इस चीज़ को उठाएंगी और मैं पूरी बात आपको कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम भंडाफोड़ करेंगे कि जो दलाल इस शहर के प्लॉट बेचने के लिए उतरे हैं आने वाले भावी पीढ़ी के लिए। अरे अलग अलग जो चीज़ है, हमारे महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रखा है, युवा साथियों के लिए रखा है, हमारे जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए रखा है, गार्डन हो, स्कूल हो, ये सब प्लॉट बेचने के लिए लगा है। एक ही रातों रात में इस शहर को बेचना चाह रहे हैं, ये हम होंगे थाना भेज दिया, अब नवी मुंबई नहीं बेचने देंगे और इसके लिए ये आंदोलन हो रहा है। आने वाले भविष्य में ये आंदोलन तीव्र करेंगे, जरूरत पड़े तो ये शहर रास्ते पे उतरेगा, लेकिन ये होने नहीं देंगे, हम ये दादागिरी चलने नहीं देंगे। एकदम खुला आरोप है, अगर वैसे नहीं होता तो ये 500 मीटर के ऊपर वाला, अरे भाई आप कौन बेचने वाले, आप कौन बेचने वाले इस शहर के प्लॉट को, ये शहर को क्या करने का है ना ये जनता तय करेगी। यहाँ के नगर सेवक सभागुरु ने तय किया है, वो डिपी डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं, दबा के रखा है इन लोगों ने, क्योंकि जब तक ये प्लॉट बेचेंगे तब तक भी एक बार सीसी दे दिया। अभी प्रशासक है ना, नगर सेवक है ना, महापौर है, कोई नहीं है, ना विरोधी पक्ष नेता है ना सत्ताधारी है, यहाँ किसी की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, दबाई जा रही है, कोर्ट को वहाँ कुछ गलत बातें बताई जा रही है और इसका निषेध करने के लिए, देखिए प्रजातंत्र में महात्मा गांधी जी ने जो तंत्र बताया उसका पहला करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को हम आगे लेके जाएंगे। कानून में तो ऑलरेडी हमारे दशरथ जी, हमारे बाकी सहयोगी हमारे कोर्ट में गए हैं, निशान जी कोर्ट में गए, वो तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रही है। स्पेशल वहाँ उन्होंने एक लेटर निकाला है कि सब बेच डालो, अरे सब बेच डालो, ये ऐसा कैसे चले देंगे हम, और इसी को निषेध करने के लिए हम यहाँ आए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये किसी अपने बंगले के लिए, घोड़ा माड़ी के लिए हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे, तो ये नवी मुंबई की जनता के लिए कर रहे हैं। जनता को अपील रहेगी कि इसमें आप हमको सहयोग करें। देखिए भू माफिया जो होता है, जो इल्लीगल करते हैं, ये वाइट ब्लैक में नहीं, वाइट में सब कर रहे हैं, क्योंकि सिडको का प्लॉट तो वाइट में बेचा जाता है, भू माफिया ये ब्लैक का होता है और ये जो होने वाला है ये वाइट धंधा करके गोरख धंधा करने के लिए इनकी सब ये चाल है, जो हम कभी भी तय करने नहीं देंगे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।